हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बारिश का मौसम हो तब हम सबको शाम को कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन करता है। तो आज हम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वेज तवा पुलाव बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। रेसिपी शुरू करते हैं। 2 से 3 लोगों को सर्व कर सके उतना वेज तवा पुलाव बनाने के लिए मैंने कुछ प्री प्रिपरेशन करके रखी है, जिसमें मैंने 3 कप स्टीम किए हुए राइस लिए है। राइस बनाने के लिए मैंने 1 कप बासमती चावल को 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था। फिर एक भगोनी में 4 कप पानी उबाल कर उसमें स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच तेल डालकर फिर उसमें राइस को मैंने ऐड करके 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाला। राइस 80% जितने कुक हो जाए फिर उसे एक छन्नी में निकाल कर उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया। उसके साथ मैंने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स का उपयोग किया है, जिसके मेज़रमेंट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये पुलाव बनाते वक्त आपको जो भी वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं, और जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। पुलाव बनाने के लिए गैस पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखें और उसमें 2 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर ऐड करके उसे लो फ्लेम पर गर्म करें। ये पुलाव आप सिर्फ तेल का उपयोग करके भी बना सकते हो, लेकिन आधा तेल और आधा बटर लोगे तो पुलाव ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तेल और बटर हल्का सा गर्म हो जाए फिर उसमें 6 से 7 हम काजू ऐड करेंगे, और काजू थोड़े सुनहरे हो जाए तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। काजू ज़्यादा डार्क हो तब तक उसे फ्राई ना करें, वरना वो स्वाद में कड़वे हो जाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तले हुए काजू को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसमें 1 तेज पत्ता और 1 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये पुलाव का तड़का तैयार करते वक्त उसमें दालचीनी या लवंग का उपयोग नहीं किया जाता। तिखास के लिए 2 चम्मच चॉप किया हुआ फ्रेश अदरक और 3 से 4 लंबी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आपको जितना तीखा खाना पसंद हो उसके मुताबिक आप अदरक और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। हरी मिर्च थोड़ी क्रिस्पी हो जाए फिर हमें उसमें सब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप रेड शिमला मिर्च, अगर आपके पास ये रेड वाली शिमला मिर्च ना हो तो आप सिर्फ हरी भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 कप हरी शिमला मिर्च, और ये सभी वेजिटेबल्स को हमें हाई फ्लेम पर सौते करना है ताकि वो क्रंची रहे। वेजिटेबल्स को अगर आप ओवर कुक करोगे तो पुलाव में उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमेशा उसे हाई फ्लेम पर ही पकाए। दोनों प्रकार की शिमला मिर्च थोड़ी सौते हो जाए फिर उसमें 1/2 कप चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के अंदर जो बीज है उसे मैंने निकाल दिए थे। टमाटर को कुक होने में अधिक समय नहीं लगता इसलिए उसे बाद में ही ऐड करें। और 1 टेबलस्पून हम साबुत लाल मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 साबुत लाल मिर्च को मैंने 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था, फिर मिक्सी जार में पीस कर उसकी पेस्ट तैयार कर ली है। और 1/4 कप हम उबले हुए चॉप किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलू ज़्यादा मैश हो उस तरह से ना उबालें। 1/4 कप पारबॉयल किए हुए हरी मटर ऐड करेंगे। अगर आप सर्दी के मौसम में ये पुलाव बना रहे हो तो आप फ्रेश मटर का भी उपयोग कर सकते हैं। और टैंगी टेस्ट के लिए 1 टेबलस्पून हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब हम उसमें सब मसाला ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये पुलाव बनाते वक्त हमने तड़का में 3 से 4 लंबी स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून सूखी लाल मिर्च की पेस्ट ऐड की है, इसलिए आप लाल मिर्च पाउडर का उपयोग अधिक मात्रा में ना करें। स्वादानुसार नमक ऐड करें और सभी मसालों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिला लें। आलू और मटर थोड़े कुक हो जाए तब तक हमें उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अगर आप टिफ़िन में भरने के लिए इंस्टेंट वेजिटेबल पुलाव प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हो तो उसका रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन पर और वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिया है।
संडे के दिन ज़्यादातर लोगों को शाम को बार डिनर करने की इच्छा होती है, लेकिन बार का फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसे हाइजेनिक तरीके से बनाया नहीं होता। अगर आप घर पर ही इस तरह की टेस्टी डिशेज बनाओगे तो आपको कभी भी बार खाने का मन नहीं करेगा। वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हमने जो बासमती चावल स्टीम करके रखे थे वो कढ़ाई में ऐड करेंगे। आप घर पर जो भी रेगुलर बासमती चावल का उपयोग करते हो वो पुलाव बनाने के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम बड़े दाने वाले पुलाव या चावल खाना पसंद हो तो आप इंडिया गेट बासमती चावल का ही उपयोग करें। फ्लेवर के लिए उसमें 2 से 3 चम्मच घर पर बनाया हुआ पंजाबी गरम मसाला या पुलाव मसाला ऐड करेंगे। ये पंजाबी गरम मसाला मैंने 17 प्रकार के खड़े मसाले को पीस कर घर पर तैयार किया है, जिसका रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दिया है। उसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से सभी वेजिटेबल्स और मसालों को राइस के साथ अच्छे से मिला लेंगे और सारे मसाले और वेजिटेबल्स पुलाव के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए तब तक हम उसे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे। आखिर में पुलाव को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें 1 चम्मच सॉल्टेड बटर ऐड करेंगे और मिक्स करके गर्मा गर्म पुलाव को सर्विंग प्लेट में सर्व करके ऊपर से हम उसे तले हुए काजू से गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म पुलाव को मैंने रोस्टेड पापड़, दही और स्प्राउट सलाद के साथ सर्व किया है। तो आप भी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।